ठीक है रवि, पीछे हटो ले। आपको हटा लेंगे सर, हटा लो। सर जो कस्बे में मर्डर का केस आया था नाबालिग, क्या कुछ था? ये राजू एक बच्चा था 13-14 साल का, इसकी डेड बॉडी बोरे में बंद करके सरसों के खेत में फेंकी गई थी। पुलिस ने उसको बरामद किया और उस पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की कार्रवाई की गई। एसओ और एसओजी टीम और हमारे पूरे साइंटिफिक टीम जो हमारी होती है, उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए। इससे इस घटना का हम लोगों ने खुलासा किया। इस मामले में 4 व्यक्ति दोषी पाए गए हैं, जिसमें पुष्पेंद्र, सत्यपाल, अहिवरण और रोहित। इन लोगों को अभी तक की जो जांच और विवेचना हुई है, उसमें इन लोगों को योजनाबद्ध ढंग से इस लड़के का की हत्या किए जाने के लिए दोषी पाया जा रहा है। और नटसेल में ये है कि एक ज़मीन थी जिस पर एक दिनेश नाम का व्यक्ति काबिज था, जिसको कि इस घटना में नामित किया गया है, नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उससे उक्त ज़मीन को खाली कराने के लिए योजना बनाकर ये हत्या की गई। जो वादी है उसने शक सुबह के आधार पे लोगों को नामित किया था, 7 लोगों को नामित किया था, जिनसे कि उनकी विभिन्न कारणों से अनबन रहती थी। उसमें से एक व्यक्ति जो पुष्पेंद्र है, वो तो ज़रूर इस मामले में दोषी है, बाकी अभी तक की जांच में दोषी नहीं पाए गए। सर किस चीज़ से हत्या की गई थी? उनके पास से सर कुछ न कुछ बरामद किया गया होगा? हाँ, बरामदगी हुई है। हमारे पास ये प्लास्टिक की पीली बोरी है, डंडा है जिससे मारपीट की गई, सफ़ेद गमछा है, पीली प्लास्टिक की बोरी है, बिजली तार लाल और नीला, इसके अलावा सफ़ेद रस्सी जो लगभग 1 मीटर की है, फुल शर्ट क्रीम कलर जिस पर खून मिला है, चेकदार सलेटी शर्ट फुल मार्का, और इसके बाद एक हथौड़ी बेट लगा हुआ, उस पर भी जो है मानव रक्त पाया गया।